Welcome to our studio. Thank you, ma'am. आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया. मैं आपसे कल ही आपसे बातचीत हुई थी मेरी इस बारे में. थोड़ा तो आपने मुझे बुलाया. मैं काफी धन्य हूँ कि आपने मुझे बुलाया. मेरी अरे नहीं नहीं धन्य तो होंगे पेरेंट्स बच्चे और बाकी लोग जिनको आपसे कुछ सीखने को कुछ गाइडेंस मिलेगी. जी मैम. तो सीधे हम काम की बात पर आते हैं. जैसा कि पता ही है पनप ऑर्गेनाइजेशन जो है पनप फाउंडेशन काफी लोग जुड़े हुए हैं उससे. तो एक हमारे मेंबर ने आपके बारे में जिक्र किया था कि आपने रिपीट किया था और वो भी क्लास 8 में रिपीट किया. तो मेरे हिसाब से तो दिस इज रियली बिग थिंग कि 8 क्लास में बच्चा जाकर रिपीट करे. रिपीट और फेल दो अलग अलग वर्ड्स हैं. फेल तो जब स्कूल आपको बोल देता है कि यू आर फेल्ड नाउ यू हैव टू डू दिस क्लास अगेन. और रिपीट अपने मन से आप रिपीट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे ये सब कैसे हुआ क्यों हुआ ताकि जो लोग हम लोगों को सुन रहे हैं देख रहे हैं उन्हें कुछ फायदा हो सके या उनके जानने वालों को. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. जी वाह. तो मैम देखिए मेरी शुरुआत तो काफी मतलब मैंने एक अच्छे स्कूल से शुरुआत करी थी. तो स्टार्टिंग से मैं अपने अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी थी. जैसे मुझे बचपन में भी नर्सरी क्लास में दो बार गया था पर मैं उस टाइम भी काफी अंडरएज था. चेक यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी. आप नर्सरी क्लास में दो बार गए क्यों? मैम होता क्या था उन दिनों मेरा एक बड़े भाई जो है मेरे उनको स्कूल जाना पसंद नहीं था बिल्कुल. okay. तो ऐसे करता था कि जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा तो वो क्यों जा रहा है ऐसे होता था ना. तो उन बड़े भाई के चक्कर में हमारे तो हमको भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा. तो मैंने एक साल कुछ नहीं किया. नहीं तो आप तब छोटे रहे होंगे. मैं उस टाइम काफी छोटा था. okay. उस टाइम बहुत छोटा था मतलब कि मैं उस टाइम तो घर पे रहने लायक था. तो मैंने एक बार नर्सरी करी फिर मैंने दोबारा नर्सरी करी. तो मैं उस टाइम भी मैं कहूंगा कि मैं उस टाइम भी छोटा था. मैं तब भी मतलब जैसे मैंने पहले क्या करता था कुछ नहीं नोटबुक में से मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ तो वही आदत मेरे में रह गई. तो मैं जब एक्चुअल में जब मैं नर्सरी पहुंचा तो मैं तब भी वही करता रहा. टीचर्स देख थे तो उनसे काफी हैबिचुअल हो गया था मैं क्योंकि पहले तो अच्छे से बिहेव करते थे कि ऐसा बच्चा है क्लास में भाई के कारण आता है खाली. तो मेरा वैसे ही मेरी बेस वहीं से थोड़ा वीक होना शुरू हो गया. फिर मैं याद करता हूँ कि लेटर क्लासेस में मैंने थोड़ा सा जैसे मैं केजी और फर्स्ट में आया तो मैं अपने जो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठते थे उनसे कहता था यार जरा मैम से प्लीज बोल दे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ. वो मेरे को मना कर देते थे. तो हमेशा मेरा काम कभी नोटबुक कभी बुक्स में कभी पूरा नहीं होता था. से करते करते हम चलते रहे थर्ड फोर्थ क्लास में पहुंचे. तो मेरी एक रिलेटिव हुआ करती थी अब भी है वो. तो हम उनसे जैसे मम्मी मैं पापा सब मिलने आते थे कभी कभार साल में एक दो बार उनसे मुलाकात होती थी. तो वो हमेशा कहती वो उनका टीचिंग से बहुत वास्तव रहा है. वो टीचर नहीं है यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी रही है काफी स्कूल्स में. तो वो मेरा हमेशा टेस्ट लेती है और मम्मी से कहती है कि भाभी आप इनको रिपीट करा दो क्लास. तो मम्मी कहती अरे नहीं नहीं टीचर्स कहती है कि बच्चा तो बहुत अच्छा है बस थोड़ा पढ़ाई कम करता है पढ़ाई करेगा तो पक्का कर लेगा. मम्मी भी मेरी थोड़ा सा टीचिंग बैकग्राउंड से है तो उनको लगता था कि मैं कर लूंगा. मैं पर्सनली मैं रिपीट नहीं करना चाहता था शुरुआत में. मुझे लगता था मेरे दोस्त क्या बोलेंगे कि यार ये तो देखो छोटा रह गया उनसे चढ़ाएंगे. तो इस डर के मारे मेरा कभी मन नहीं किया रिपीट करने का. तो ऐसे ही चलता रहा. फिर जब मैं 7th 8th में पहुंचा फाइनली तो मैंने अपना 8th का रिजल्ट देखा. मेरा रिजल्ट तो बहुत खराब है. मैं फेल तब भी नहीं था. वो स्कूल की पॉलिसीज है कि बच्चों को आप पास करते चलिए. नहीं लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं गए. बहुत अच्छे मार्क्स मुझे लगता कभी भी नहीं गए. कभी नहीं रहे मेरे मार्क्स बहुत अच्छे कभी भी नहीं रहे. मैं खाली मार्जिन में पास होता रहा. बीच में मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन कर लिए. मैं ट्यूशन भी गया. नहीं वो मैम तो बता रहे थे कि ट्यूशन तो आपकी मम्मा ने आपको थ्रू आउट. हाँ मैं थ्रू आउट पढ़ाया और एक ही मैम को ही हुआ करते थे. हाँ मैंने अपनी एक ही टीचर थी मारी. मैंने उनसे ट्यूशन पढ़ा. मैंने थर्ड क्लास में शायद शुरू कर दिया था. तो मैं थर्ड से 8th तक उनसे पढ़ता गया. नहीं तो आपका मन करता था पढ़ने जाने का ट्यूशन? देखिए शुरू में तो मेरे को लगता चल गया कोई पढ़ा रही है अच्छा पढ़ा रही है. फिर धीरे धीरे लगता बर्डन बढ़ गया कि खेलना भी है पढ़ना भी है स्कूल भी जाना है होमवर्क भी करना है. मैं इतना सैचुरेट हो चुका था कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या. पर अब मजबूरी थी जाना. मार्क्स तो अच्छे आते नहीं थे. करते कराते 8th तक पहुंचे. फिर वही गंदे मार्क्स. टीचर्स कह रहे कि आपको साइंस नहीं मिलेगा आपको कॉमर्स मिलेगी. तो फिर मैंने उस दिन मैंने मन बना लिया कि जो मेरे रिलेटिव मेरे से कहते थे हमेशा इसको रिपीट कराओ. मैंने मम्मी से बोला मैं कहा मम्मा सुनो
मुझे आज रिपीट करा दो क्लास। अच्छा, आपने खुद ही डिसाइड किया? मैंने खुद डिसाइड किया। ओके, दिस थिंग वी डिड नॉट नो। यस मैम। मैंने खुद ही कहा कि मम्मा मुझे अब क्लास रिपीट करनी है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। पर मैं सेम स्कूल से नहीं कर पाऊंगा, सेम स्कूल से करूंगा तो मैं स्कूल जा नहीं पाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे को ऐसे मतलब खुश नहीं रहने देंगे। तो पेरेंट्स से थोड़ी बातचीत करी, वो फाइनली इस कंक्लूजन पे आए कि अगर मेरा थोड़ा बेटर फ्यूचर वो चाहते हैं तो रिपीट मुझे करनी पड़ेगी। होता है लोग सोचते हैं कि एक साल का ज्यादा खर्चा होगा, पर वो एक साल का ज्यादा खर्चा ना लाइफ टाइम चेंज कर सकता है, आपका पूरा फ्यूचर चेंज कर सकता है। नहीं, वो वैसे ही वो एक साल तो देखो ना, लोग कोटा जा रहे हैं, लोग कोचिंग करते हैं और क्या क्या करते हैं। सही बात है मैम, दो साल में लोग ड्रॉप ऐसे और यूनिवर्सिटी के लिए 10-10 साल लग रहे हैं, लगे रहते हैं। एकदम सही बात आप कह रही है। तो उसमें मैंने 8th क्लास में एडमिशन लिया, मैंने 8th रिपीट करी, लगा देखते हैं फिर अब क्या करना है। जैसे मैं 8th में गया, मतलब जो फंडास एंड ऑल आई न्यू देम ऑल, मुझे पता था कि चलो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज था, बीइंग एट सीबीएसई स्कूल आई वाज फ्रॉम आईसीएसई, तो सोरा थोड़ा सा था चेंज पैटर्न में, पर आई वाज एबल टू कोप अप, तो मुझे अच्छा लगा। मैं कहा चलिए ठीक है, पढ़ाई शुरू करी, इंटरेस्ट आया। अब जब पढ़ाई का बर्डन नहीं था तो मैंने एक्स्ट्रा उसमें वर्क में किया, एक्स्ट्रा करिकुलर में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया, डांस म्यूजिक एंड ऑल में सब में पार्टिसिपेट किया। मतलब उस साल में कहूंगा मेरा रिजल्ट काफी अच्छा रहा, आई वाज इन टॉप 5 एंड मेरा जो एक मतलब एक अवार्ड मिलता था हम लोग को ऑलराउंडर का, वो मेरे को मिला 8th क्लास में। हाँ नहीं, ये तो पता चला था, मैंने हमको ये भी बताया था कि द चाइल्ड हु रिपीटेड द क्लास, क्योंकि वो हम कनेक्टेड तो रहते ही है ना आपस में, जो भी कुछ हमारा फॉलो कर रहा है या कुछ है, तो उन्होंने बताया था कि, और उन्होंने वो ट्रॉफी का आपका फोटो, वो इट वाज लाइक सम ड्रेस, वो लुंगी और वो ऐसे ना कुछ लेकर, तो शी सेंट मी दैट फोटो आल्सो, इस बार बच्चे को ये फोटो मिला है, ये अवार्ड मिला है उसको, ट्रॉफी मिली है। यस मैम, तो मैंने अपने अंदर फिर जैसे 8 निकल गई, सो 9th मैंने बिल्कुल नया था, क्योंकि 9th तो फिर से नया, पर 8th में मैंने अपने में इतने चेंजेस देखे ना, जब मैंने देखा यार पढ़ाई तो कुछ है ही नहीं डिफिकल्ट, अब मेरा इंटरेस्ट आ गया पढ़ाई में, टीचर्स से मैं काफी वो हो गया, क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो क्लास में तो टीचर्स आपसे खुश रहेंगे, ये बात तय है। आपको टीचर्स को मैंने खुश रखा, मैं खुद खुश रहा, मेरे दोस्त अच्छे थे, पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया, तो मैं 9th भी अच्छी गई। उसके बाद मेरा मैं कहूँ एकेडमिकली मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई लाइफ में, फिर उसके बाद मैं हमेशा से चला। पर एक रिग्रेट मेरे को आज भी है, अगर मैं जनवरी में, मतलब कि वैसे मैं जनवरी बॉर्न हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा मेरे घर वाले थोड़ा सा ध्यान रखते और 8th से पहले मैं थोड़ा रिपीट कर लेता तो शायद मैं और अच्छा कर पाता। एक्चुअली देखो, आपने 8th में किया, देन आल्सो यू आर लकी, एटलीस्ट आपने किया, यू कुड सर्वाइव एकेडमिकली, और इस दुनिया में आप आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज को, मतलब इट्स लाइक सर्जरी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और डॉक्टर बोलता है अभी सर्जरी होगी, और पेशेंट तो बस वहीं खत्म हो जाता है सर्जरी, और वो कोशिश करता रहता है कि पहले तो कोशिश करता है सर्जरी ना हो, और होनी भी है तो अब नहीं, तब करा लूंगा, तब करा लूंगा, मतलब वो ऐसे करता है। लेकिन सर्जरी का रिजल्ट और इसका, जितनी जल्दी आप कराएंगे उतना जल्दी उसका रिजल्ट आता है, नहीं तो उतना तो फिर वो खराब होती जा रही है स्टोरी। सही बात है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो अब आजकल आप क्या करते हैं? जी मैम, मैं अभी लॉ कर रहा हूँ, बहुत ही नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से, उसमें भी मतलब काफी कंपटीशन था उसमें भी एंटर करने के लिए, तो जैसे कि पढ़ाई का लग चुकी थी तो थोड़ी सी मेहनत करी, उसमें भी एडमिशन ले लिया। अब लॉ परस्यू कर रहा हूँ, तो फिर अब इंटरेस्ट आ रहा है नई नई चीजें जानने में, तो अब मैं तो यही कोशिश करता हूँ, मुझे लाइफ में कोई भी मिले ना बच्चा, मैं पूछता हूँ भाई तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम कौन सी क्लास में हो, मेरा ये बहुत वो हो चुका है, बहुत पॉजिटिव नहीं जाए मतलब आपको वो उसकी जो कंडीशन होती है, जो आपने 9-10 साल जो स्ट्रेस सहा वो फील कर पाते हैं। यस मैम, अब मैं पूरा फील कर पाता हूँ कि मैंने कितना मतलब दबा दबा रहा मैं इस क्लास में, स्कूल में, मतलब बहुत बियर किया, बहुत मैंने, क्योंकि देखो ना कोई भी, हर कोई अच्छी चीजों को पसंद करता है। अब टीचर क्लास में जाएगा, उसको भी जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जिनका काम पूरा है, जो पूरा फॉलो करते हैं, टीचर भी उन्हीं को पसंद करता है, तो टीचर भी ओवरबर्डन है। ठीक है, तो वो वाले बच्चा, वो बच्चा थोड़ी कभी चाहता है कि मुझे कोई पसंद ना करे, तो उसका जो, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, वही सारी चीजें हैं, आप उसका नाम कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली तो आप किस तरीके से काम करते हैं, कैसे टीचर को खुश रखते हैं, सही बात, ये सारी चीजें हैं। तो तनुज, आज आपसे बहुत अच्छा लगा ये जानकारी लेकर।
ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज जो किया ये तो बहुत अच्छा अपने आप में है ही। आप इतने हमारे व्यूअर्स जो भी हमको देखेगा आज या आने वाले टाइम तक, तो सर्टेनली उसको बेनिफिट होगा। और वैसे भी आपने जैसे बताया कि जो आप फील करते हैं, इट्स अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।